नमस्कार, आप देख रहे हैं JEK247 न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम लोगों के बीच जाते हैं और लोगों की राय लेते हैं कि आखिर कैसे लोग इस बार जो है चुनाव में वोट करेंगे। और 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, वो नज़दीक आ रहा है। ऐसे में हम लोगों के बीच जा रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला देने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं और कितना तैयार हैं, इसी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, एक बार शुभनाम अपना बता दीजिए। माइसेल बी आर ध्यानी। ध्यानी जी, क्या सोच रहे हैं, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, क्या मोदी को मुकाबला दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी ये यात्रा जो है पहले भी कर चुके हैं, अब दूसरी बार कर रहे हैं, ये सब बेकार की यात्रा है। नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, न उनके पास कोई दूसरा नेता है जो कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। अच्छा, ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यात्राओं में भीड़ भी है राहुल गांधी की, लग रहा है कि लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं राहुल गांधी? नहीं नहीं, उनकी इमेच्योरिटी है और वो अपने कहीं ना कहीं जो है अपनी इमेच्योरिटी शो करते हैं। तो क्या सोच रहे हैं कि अब 2024 में कैसे, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और उसी पे नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। दूसरा जो है कि धार्मिक भावना भी लोगों में जागृत हुई है, जो कि नरेंद्र मोदी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, क्या कुछ काम पसंद आया आपको सरकार के? हर काम पसंद आया। जैसे कुछ एक दो? जैसे कि धार्मिक रूप से देखा जाए तो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, विकास कर रहे हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है, इंक्लूडिंग हरियाणा फरीदाबाद, यहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन जस्ट लाइक जैसे यूपी में अदर स्टेट्स में बहुत विकास हुआ है। कौन सा और लीडर ऐसा हो सकता है जो मुकाबला दे सके? लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को छोड़ दें तो कोई और ऐसा लीडर? कौन सी पार्टी में? कोई सी भी, कोई ऐसा लीडर जो प्रधानमंत्री लाए? अपोजिशन में कोई भी नहीं है आज की डेट में, कोई नहीं है। और हैं हमारे साथ में एक और शख्स हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। सर, एक बार नाम अपना बताइए। मेरा नाम है राम बहादुर। राम बहादुर जी, क्या सोच रहे हैं, अब लग रहा है राहुल गांधी तैयार हैं मोदी को मुकाबला देने के लिए? मोदी को नहीं मुकाबला कर सकते। क्यों? जो मोदी जी ने काम करा ना, आज तक कांग्रेस सरकार ने नहीं काम करा। अच्छा। जितना अब विकास हुआ ना, कभी नहीं हुआ 25 सालों से। अच्छा। हम तो 25-30 साल से देख रहे हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा। अच्छा, तो जैसे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, क्या लग रहा है लोग कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा, किसको देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के? हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखेंगे। मोदी को बोलते हैं, क्या आ रहे हैं उनके? उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम करा है, राम मंदिर बना लिया, बहुत अच्छा काम करा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। कोई और ऐसा लीडर? हरियाणा में इतना काम अच्छा नहीं हुआ, खट्टर ने नहीं करा अच्छा काम, लेकिन हो रहा थोड़ा बहुत विकास का। कोई और लीडर? कोई अच्छा कोई लीडर नहीं, मायावती भी नहीं आएगी। नीतीश कुमार भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना? नहीं बनेगा मंत्री नीतीश कुमार। तो देखिए, लोगों की अलग अलग राय है और लोगों से राय जानने के लिए ही हम लोगों के बीच जाते हैं और पूछते हैं उनसे सवाल कि कौन हो इस बार प्रधानमंत्री बन। तो एक और सीनियर हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या देख रहे हैं इस बार राजनीति कैसे जा रही है आगे और क्या मुकाबला इस बार कड़ा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, किन लीडरों के साथ? सर, एक बार शुभ नाम अपना बता दीजिए। संतोष कुमार। संतोष जी, कैसे देख रहे हैं ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है नज़दीक, मोदी के अलावा कौन सा ऐसा लीडर है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? भाई, इस समय तो जो है मोदी के मुकाबले का कोई लीडर है नहीं, और जो है इस समय जो है नाजुक दौर में मोदी को ही आना चाहिए। ना इसमें जो है ना तुम्हारा राहुल गांधी कामयाब होगा, ना तुम्हारा नीतीश कुमार को लाने से, वो भी उसके मुकाबले का नहीं है। इस समय जो है बहुत नाजुक दौर है, इसमें जो है मोदी को ही रहना चाहिए। ये जो है दिमागदार तजुर्बेकार बंदा है, ये जो है गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, इनको तजुर्बा भी है और दिमाग भी है हमारे देश चलाने को। अगर कोई आदमी हो, कोई अगर दूसरा नेता आ जाता है राहुल गांधी वगैरह, तो बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से दौड़ रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने यात्रा निकाल लिया, फिर यात्रा में आए, और जिस तरह से भीड़ है, या लग रहा है कि लोग उनको सीरियस ले रहे हैं, लग रहा है कि प्रधानमंत्री धीरे धीरे बन जाएंगे जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं? अब नेता है, अब उनको भी कुछ ना कुछ तो करना है ही, ताकि जो है लोग ये ना समझे कि भाई तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो कहीं बाहर ही नहीं निकल रहा है। अच्छा। अब कुछ ना कुछ तो ना भाग दौड़ करनी पड़ेगी, अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चुपचाप तो रह नहीं सकते। अब हर नेता का जो है ये अपना परम कर्तव्य है, कुछ ना कुछ अपना भाग दौड़ करते रहते हैं, ताकि कोई ये नहीं कहे भाई तो कभी दिखाई नहीं देता है, तो पहले भी नहीं दिखाई दिया, अब भी नहीं दिखाई दे रहा है, वोट क्या देना है। तो इस समय जो है मेरे ख्याल से तो भाई मोदी ही इस समय जो है कामयाब है, बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। कोई और ऐसा लीडर?
सके कि नरेंद्र मोदी को मुकाबला दे सके, जैसे केजरीवाल भी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अब और राज्यों में जा रहे हैं, या मायावती, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ठीक है अखिलेश यादव की कह देते हैं कि हम भी एक बार तैयार हैं, कौन लग रहा है कि ऐसा हो, या फिर बीजेपी पार्टी में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाएं तो दूसरा प्रधानमंत्री आए? नहीं, ऐसा है कि इस समय तो जो है भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, और जो है ये केजरीवाल तो अभी कितना बड़ा भ्रष्टाचार इनका पकड़ा गया है, तो उससे लोगों की जो है आज तक कुछ कम हो गए इनके प्रति, भाई इतना इनके जो है घर में जो है 45 करोड़ रुपए कितना पकड़ा गया, घर में छापा लगाया यहाँ पे, और कितने जो है इन्होंने 50 करोड़ अपने मकान के बंगले के रिपेयर में लगा दिए, तो इसलिए लोगों को थोड़ा ज़रा इन पर कम विश्वास आ रहा है, जो पहले जो इतना घोटाला कर रहा है ये फिर वैसे ही करेंगे अगर शासन में आ गए तो, इसलिए इनकी आज तक कम है। नीतीश कुमार के बारे में ये कह रहे हैं भाई ये समय को देख कर दल बदल लेते हैं, ये भी जो है लीडर ऐसी हैं अपनी खुर्सी के चक्कर में कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी इधर लुढ़क रहे हैं, ये भी जो है कामयाब नहीं है, बाकी और कोई है? तो देखिए बाकी और कोई नहीं है, हालांकि अलग अलग लोगों की राय है, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। सर एक बार शुभ नाम अपना बता दीजिए भैया। देवराज चौधरी। देवराज जी क्या देख रहे हैं, 2024 का चुनाव अब आने वाला है और नरेंद्र मोदी को मुकाबला देने के लिए कौन सा नेता लग रहा है कि है टक्कर पे? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, मोदी जी आएंगे 2024 चुनाव में, राहुल जी हैं भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सक्सेस हो पाएगा। मोदी जी ने जो ये अभी राम मंदिर बनाया है इसको देख के और जनता के प्रति जागरूक हुए हैं और जनता का विश्वास जीता है, तो मेरा यही कहना है कि इस बार मोदी ही आएगा, नेक्स्ट टाइम तो आगे ही बताएगा क्या होना है, इसमें कुछ उम्र भी है। और ऐसे लीडर को देखते हैं कि है जो मुकाबला दे सके, या और भी कोई पार्टी के नेता हो, या लग रहा है कि राहुल गांधी से जिस तरह से जनता जुड़ रही है लग रहा है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत अगर और मेहनत करते हैं तो फिर चीज़ें सुधर सकती हैं? जुड़ रही है, मेहनत कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 99% चांस है नहीं भी है, लेकिन अभी इस बार तो मोदी जी ही रहेंगे, नेक्स्ट टाइम ये अपना मथुरा में जो मंदिर बनाने के लिए चल रहा है प्रोसेस, तो उसके बाद काशी में बनाएंगे, तो उसको देखते हुए अभी मोदी जी को ही चुनाव। ठीक है, देखिए लोगों की राय है। अच्छा एक बार नाम अपना बता दीजिए। श्रवण कुमार। श्रवण जी क्या देख रहे हैं, कैसे लग रहा है कि इस बार कौन खड़ा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ? जी उनकी टक्कर का समय कोई भी नहीं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, बट मोदी जी हैं जो आएंगे। अच्छा मोदी जी हैं जो इस रुख को बदल सकते, हिंदुस्तान को सुधारने वाले इकलौते सिर्फ मोदी, अदरवाइज और कोई। लेकिन राहुल गांधी के तो सब तैयार बैठे हैं, दूल्हा बना दिया उनको और पार्टियों ने। राहुल जी की सरकार गई, अब भूल जाओ राहुल गांधी जी को। लेकिन राहुल गांधी यात्राओं पर हैं, दौरे कर रहे हैं जगह जगह, न्याय दिलाने के लिए समय जो है निकले हुए हैं। देखो यात्रा तो उनकी सक्सेस है होगी, बट ये है मैं मोदी जी के खिलाफ उनके अंतर वो बात नहीं है जो कर सकें वो सक्सेस बना सकें हिंदुस्तान को, मोदी जी हैं जो सक्सेस बनाएंगे हर पीढ़ी को। हर सब काम पसंद आते हैं आपको सरकार के? मार्केट सरकार के तो जी खुल के बोले तो हिंदू धर्म सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट हिंदू धर्म है, और जो भी संघर्ष उन्होंने किया अब तक तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज मोदी इज मोदी, उसी बात रिपोर्ट देंगे बस। उदी देखिए और है हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे पूछ लेते हैं। एक बार नाम अपना बता दीजिए। मनोज। मनोज क्या देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ गया है अब नज़दीक, क्या लग रहा है मोदी को मुकाबला दे सकते हैं राहुल गांधी या कोई और लीडर? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मोदी के मुकाबले कोई है, राहुल गांधी जी भी नहीं है इस वक्त, तो सिर्फ 2024 में मोदी जी आएंगे, उनके मुकाबले है ही नहीं कोई टक्कर में अभी। लेकिन दौड़ तो बहुत रहे हैं राहुल गांधी। दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सीरियसली कोई नहीं ले रहा ना, दौड़ तो रहे राहुल गांधी, यात्रा भी कर रहे हैं लेकिन सीरियसली लोग कोई ले तो नहीं रहा ना, उनकी बात कोई समझ तो नहीं रहा ना, जो इस वक्त मोदी जी की बात हर कोई सुन रहा है, कर भी रहे काम अच्छा, ठीक भी काम है। तो क्या काम पसंद आते हैं आपको अब, और उन्हीं कामों पर लग रहा है कि वोट भी दिया जाएगा, क्या पसंद आया सरकार का आपको? सरकार का तो पसंद आया, आप देखो जी अयोध्या मंदिर बनाए, इससे मंदिर भी बना, एक एक काम से कई सारे काम होंगे, वहाँ से रोजगार भी लोगों को मिलेगा, धारा 370 भी के जो मुश्किल काम था वो भी काम हुआ, रोड भी बन रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है, जो इतने दिनों में विकास नहीं हो रहा था तो विकास तो हो ही रहा है, रोजगार भी लोगों को मिल ही रहा है।
हमें तो ये पसंद आ रहा। अच्छा, कोई है ऐसा लीडर जो उनकी टक्कर देने के लिए खड़ा हो सके मैदान में? भी कहते हैं कि चाहिए ही होता है एक तो विपक्ष का लीडर, क्या लगता है कौन हो सकता है उनके मुकाबले में खड़ा? मुझे तो कोई नहीं लगता, उनके मुकाबले है ही नहीं कोई इस वक्त, है ही नहीं। इंडिया संगठन बनाया उन्होंने, सारे इकट्ठे हो गए। इंडिया संगठन में टूट तो गया जी नीतीश का, नीतीश तो बीजेपी में आ गए, अब क्या बचा इंडिया संगठन में? मुझे तो नहीं लगता कोई है मोदी के मुकाबले 2024 में, तो कोई नहीं है जी अभी। एक तरफा है मामला सारा। हाँ, 2024 में मोदी जी आएंगे। इसके अलावा कुछ अलग अलग लोग जो है राय हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यही कहते हुए नज़र आते हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई मुकाबला देने के लिए अभी तो तैयार नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे देखने वाली बात होगी कि किस ओर जाती हुई नज़र आती है स्थिति। बाकी और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या राय है उनकी इस 2024 के चुनावों पर और क्या राय है उनकी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी को लेकर। उनसे बातचीत कर लेते हैं सर, एक बार शुभ नाम अपना बता दीजिए। मान सिंह मेरा नाम है। मान सिंह जी, क्या सोच रहे हैं 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, राहुल गांधी दौड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुकाबला दे पाएंगे नरेंद्र मोदी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, एक पैसे का मुकाबला नहीं राहुल का मोदी का। कारण? राहुल में है कुछ क्वालिटी है क्या? किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं है, हमेशा तक नेगेटिव पॉजिटिव वो करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? लेकिन वो तो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने निकले हैं, तो न्याय दिलाने निकले हैं। वो तो आप देख रहे हैं, उनके बयानों से पता चल रहा है, उनकी पार्टी की हरकतों से पता चल रहा है कि कितनी मोहब्बत घोल रहे हैं वो बाजार में, ठीक है ना, ये तो आप देख रहे होंगे। तो क्या काम ऐसे लग रहे हैं कि सरकार के जिनके बदौलत अब इस बार चुनाव में वोट किया जाएगा? देखिए, हमारे हिसाब से तो लोगों के अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मोदी ने किया है ना भाई, एक तो हमारा राम मंदिर उन्हीं की वजह से बना, अगर वो ना होते तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कांग्रेस पलट देती, पक्की बात है। अच्छा। और 370 किसी को छूने की हिम्मत नहीं थी, वो करा उन्होंने, तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं धीरे धीरे सुलझा रहे हैं और आगे आएंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे, हमारा ये मानना है। लेकिन कुछ और ऐसे लीडर हैं जो लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं? इंडिया संगठन जिस तरह से बनाया गया विपक्ष की ओर से, क्या लग रहा है कि किसी को हराने के लिए किसी को तो सामने खड़ा होना पड़ेगा, कोई ऐसा लीडर? देखो जी, फिलहाल तो है नहीं कोई मोदी के टक्कर में, कोई भी नहीं। अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत मतलब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल जी तो शायद हो सकता है जेल जाने का नंबर 1000 जो उनके कर्म है। कोई नहीं है प्रधानमंत्री? कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, तो अलग अलग राय है लोगों की और इसी राय को जानने के लिए लोगों के बीच जाते हैं और पूछते हैं उनसे सवाल कि कौन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला दे पाएगा। और इसी सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम जो है लोगों के बीच जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ स्थिति इस बार लोकसभा चुनावों में बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।